अस्सलाम वालेकुम जी, आज का व्लॉग हमने शूट किया है नियाज के ऊपर। हमारी देगें पहुंच चुकी हैं, उतारें भाई, और डेरे का साथ साथ काम भी चल रहा है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये चेक करें। पहले आपको मैं देग उतारते हुए दिखा दूँ। मौलवी साहब साथ, हाँ नीचे उतरो। जी हाँ मौलवी साहब, शहजादा लगा है तू। हाँ दी देख तो मैं खा जाऊंगा। मौलवी साहब, अच्छा साथ साथ डेरे का काम भी चल रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। डेरे का मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है, बहुत मजे का व्लॉग बन रहा है। मतलब जो हमारा पहले वाला डेरा था, जिसके ऊपर जो कमरे थे सैलाब की वजह से टूट गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमने तोड़ के नए बनाए हैं। पीछे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा गिराज बन रहा है, जिसके नीचे बकरियां खड़ी हैं मौलवी साहब की। ये मौलवी साहब की बकरियां, आपको बकरियों से भी मिलवाता हूं। और ये हमने बनाया है गिराज, यहां पे हम बनवा रहे हैं एक दफ्तर और एक कमरा सोने के लिए, और आगे बरामदा किचन वगैरह खाने पीने के लिए, क्योंकि हम यहां पे चाय वगैरह खुद बनाते हैं सारा कुछ। ये दो हमारे पुराने कमरे थे, ये बाकी का व्लॉग मैं आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, एक महीने के बाद वो व्लॉग मतलब बन के कम्प्लीट होगा। एक छोटा सा व्लॉग होगा 10-15 मिनट का, उसके अंदर सारा इसको तोड़ के इसको बनाते हुए सारा दिखाऊंगा। और फर्स्ट लुक जो था हमारे डेरे का, ये वाला, और यहाँ तक का सफ़र जो नया बनेगा वो सारा उसी व्लॉग में है। और ये देखते हैं जी मौलवी साहब क्या सीन है। बस अभी तैयार कर रहे हैं इनको, साफ बना रहे हैं। पहले तो आप खाएंगे, फिर आगे पहले वो आप खत्म पढ़े ना। हाँ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। चलो अभी जनाब इसको हम शापरू में डाल के पूरी बस्ती के अंदर बांटेंगे। छोटा सा विलाग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। शानू जी क्या मसला है आपको? कुछ भी नहीं सर जी। अच्छा मुंह धोया था आज? नहीं नहीं, मैंने भी नहीं धोया। चलो बताना किसी को नहीं। अब जनाब चावल मैं खुद शापरों के अंदर डाल के दूंगा, क्योंकि मौलवी साहब थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। पकने दिखाएं जी, ये कैसी बनी है माशाल्लाह। ये देखें जी चावल कैसे बने, वो है माशाल्लाह बहुत अच्छे। खत्म के लिए डाल दो। अब हमने अपने लिए चावल डाल लिए हैं। अब देखें जो है ना, वो तकरीबन खाली हो चुकी हैं, शापर वगैरह बन गए हैं, वो लड़के देने जा रहे हैं। प्याज तोड़ो यार, जल्दी करो, भूख के मारे वो हो रही है। कुछ 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 ये हम आज देसी तरीके से खाएंगे। ये देखें जी प्याज को तोड़ लिया, मुक्का मार के, मुक्का मार के तोड़ने के बाद। इधर उस्ताद भी लगे हुए तो हैं। अच्छा जी सारा काम हो चुका है, चावल वगैरह बन चुके हैं, और शानू जो है ना कूलर भर रहा है। शान भाई क्या मसला है आपको? कूलर भर रहा था यार, बर्फ नहीं है, अब क्या करें। बर्फ ले लेंगे, खैर बर्फ लेके और बहुत ज्यादा साथ सफेद की बोतल भी लेके आनी है। फ्रीजर की कमी महसूस हो रही है, उसके लिए किचन बना रहे हैं, उसके अंदर जो है ना एक फ्रिज लगाएंगे। मौलवी साहब आए, आपकी बकरियां दिखाएं और अपना गिराज भी। आए जी, आए जी। चलें जी, ये गिराज का अभी जो है ना काम चल रहा है, इसलिए ये लकड़ियां वगैरह लगी हुई हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये है मेरी बकरी। आगे चलें आगे। खास तौर जी ये बकरियों के लिए इतना बड़ा मैंने गिराज तैयार किया। ओ भाई ये मेरी गाड़ी के लिए। बकरियों के साथ ये गद्दा भी है। ये मौलवी साहब की बड़ी बकरी, ये उसके दो बच्चे हैं, उसके हैं। हाँ जी ये तो उसके हैं, ये वैसे हम लेके हैं तीन, वो भेड़े लेके हैं। अच्छा ये हमारे वॉशरूम बन रहे हैं। और यार सारा नक्शा उस व्लॉग वाला, इस व्लॉग में हम रिवील कर रहे हैं यार, ना करें यार। अरे भी आपको दिखाते हैं जो बुनियादें डली हुई हैं, ये चेक करें। अब बात करते हैं सैलाब की, जो हमारे डेरे के बिल्कुल करीब करीब आया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि सैलाब की क्या कंडीशन है। बहुत पानी है पीछे, उसके हमने एक वीडियो भी बनाई है, शायद आपने देखी हो, पोस्ट हो चुकी होगी शायद जब ये व्लॉग पोस्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये चेक करें गाइस, ये मेरे डेरे की बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर बिल्कुल ग्रीनरी होती है, माहौल होता है, लेकिन आजकल वहाँ पे सैलाब आया हुआ है। ये चेक करें जी, ये देखें उत्तरी की, इतने तेजी से बह रहा है पानी, बहुत। ये देखें, ये यहाँ से पूरी गली में पानी है, और जिस पे मैं खड़ा हूँ ये भी टूटी हुई है अभी। क्या लगता है मौलवी साहब कब तक पानी टूटेगा? मुझे तो लगता है ये बढ़ता जा रहा है पानी। देखो जी कह रहे हैं ऊपर से बारिशें हो रही हैं, अगर बारिशें कम होंगी तो बच जाएंगे हम। हाँ। अगर तेज होती रहेंगी तो मजीद पानी बढ़ेगा। ये देखें पानी की स्पीड चेक करें कैसे बहता हुआ। रास्ता है घर को जाने वाला, ये मौलवी साहब का घर है सामने इन खेतों के उस तरफ। ये सैलाब की कंडीशन है, अल्लाह पाक खैर करे। सांप सांप दिखाएं, सांप दिखाएं। किधर है सांप? वो देखो वो सफेदे के साथ, सफेदे के साथ। ज़ूम करके दिखाएं, ज़ूम करके। सांप नहीं है यार, लकड़ी यार, देखें लकड़ी है। लकड़ी नहीं है यार, लकड़ी है यार। लकड़ी है, मुझे महसूस हुआ कि सांप है यार।
मौलवी साहब को सांप नजर आ रहे हैं पानी में, लकड़ियों को सांप बोल रहे हैं। हेलो गाइस, क्योंकि डर चुका हूं मैं, दूसरा तीसरा रोज है, पानी है और मौसम तो है वैसे इस, भी सांपों का। इस पानी के, इस सैलाब वाले पानी के अंदर सांप भी बहुत ज्यादा होते हैं। मौलवी साहब आपने देखे हैं कोई सांप? यार मैंने देखे तो नहीं है, डर है, डर तो है। ये देखें, ये यहाँ पे हम चारपाइयां रख के बैठा करते थे, और ये अब ये आपको देख के लग रहा होगा कि मतलब ऊंचा पानी है, ये ऊंचा नहीं है, इतना इतना पानी है, बंदा इसके अंदर डूब जाए। हमने डेरे को काफी ऊंचा किया हुआ है, देखे ना यहाँ से गली बहुत ऊंचा किया हुआ है, फिर भी देखे पानी है। गली बहुत नीचे है और ये डेरा हमारा थोड़ा सा ऊंचा है। अल्लाह पाक खैर करे, बस आप हमारे लिए दुआ करें कि ये पानी जैसे सैलाब जैसी जो मुसीबत है ये टूटे हमारे भाइयों के लिए। हमारा डेरा खैर फ्रंट पे है, ये हमारे डेरे की बैक साइड है, तो हमें इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता, हम वहाँ से गाड़ी लेके आगे निकल जाते हैं, लेकिन पुल जो है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। वैसे मेरा जो डेरा है ना वो तकरीबन दो कनाल के ऊपर है। यहाँ से मैं आपको एक कोने से अपने डेरे की लुक दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये वहाँ पर गिराज बन रहा है, यहाँ पर दो कमरे, दफ्तर, बरामदा और सारा कुछ बनेगा। ये भी चेक करें, ये एरिया है, ये बैक गेट है, वो फ्रंट गेट है, उसको हम चेंज करेंगे। जो फ्रंट वाला गेट है ना उसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और थोड़ा सा ना माहौल वाला बनाएंगे, सारा कुछ ऊंचा होगा। यहाँ से अभी ये व्यू आ रहा है, ये देखें वो गिराज बन रहा है ना, यहाँ कमरे बनेंगे और बाकी की जो जगह बचेगी उस पर सारा हम ग्रासी प्लाट लगाएंगे। बहुत मज़े का सीन होने वाला है, बारिश भी हो रही है